और काफी हेल्दी और काफी बड़ा सांप मुझे दिख रहा है। यहाँ घुसते हुए देखा था आपने? हाँ। कैसे रंग का सांप था? काला सांप था। बड़ा है? हाँ बड़ा जी। चलो आप हटो। कारण क्या? एकदम हाथ मत डालना। देखना आराम से। तो दोस्तों सांप मुझे दिख चुका है और वो एक ब्लैक कलर का धामन सांप है, रेड स्नेक। सांप काफी बड़ा है और ये सांप काटता भी बहुत जोर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज रेस्क्यू के लिए मैं आया हूँ ग्राम हिड़ी और यहाँ पर आप सांप देख सकते हैं एक भूसे के अंदर बैठा हुआ है। तो चलिए इसको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बड़ा सांप मुझे दिख रहा है। तो कोशिश करते हैं दोस्तों इसको बाहर निकालने की। और चूंकि सूखला है और ऐसी जगह पर सांप जो है इस भूसे के अंदर घुसते ही चले जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा सांप है और
अभी इसने पूरी तरह से मुझे जकड़ लिया है। और गांव के लोगों में ये गलतफहमी होती है कि ये पूंछ से जो है मारता है, पूंछ से प्रहार करता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ जकड़ते हैं और काफी जोर से जकड़ते हैं। तो वीडियो देखकर आप इस तरह से पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। और आपको एक बार नाम बता देते हैं, इसे कहा जाता है इंग्लिश में रेड स्नेक, हिंदी में धामन, और हिंदी में घोड़ा पछाड़ के नाम से इसे जाना जाता है। और आज हम आए थे रेस्क्यू के लिए ग्राम हीड़ी, और आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बड़ा सांप, और ये एग्रेसिव बहुत जल्दी होता है। ये ब्लैक कलर में आपको धामन सांप दिखाई दे रहा है। हमारे भारत देश में जो धामन सांप है वो 5 तरह के होते हैं, 5 कलर में देखे जाते हैं, और उन्हीं में से एक ये है। और ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, काफ़ी ज़ोर से जो है अटैक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादातर इसको बाहर नहीं रखेंगे और सीधे जार में करेंगे और वापस जो है इसको प्रकृति में मुक्त करेंगे। तो दोस्तों देखिए, फिर से इसने मुझे जो है जकड़ लिया, और ये काफ़ी तेज, काफ़ी ज़ोर से जकड़ते हैं, ये छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण से जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी डरते हैं, और ये सांप काफ़ी बड़ा दिखाई देने में भी बड़ा होता है। तो दोस्तों, अम्बा राम जी हैं और ग्राम हीड़ी, आज हम आए थे रेस्क्यू के लिए और इन्होंने हमें कॉल किया था, तो यहाँ से हमने इस रेड स्नेक यानी धामन सांप को रेस्क्यू कर लिया है। आपको फिर से बताते हैं कि धामन सांप जो होता है वो विषैला और जहरीला नहीं होता है, लेकिन काटता बहुत ज़ोर से। तो वीडियो देखकर आप इस तरह से पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, इसको वापस अभी हम प्रकृति मुक्त करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, इस धामन सांप को अभी हमने ग्राम हीड़ी से रेस्क्यू किया था, और अब हम इसको रिलीज कर रहे हैं यहाँ नेचर में वापस। तो चलिए दोस्तों, इस धामन सांप को रिलीज करते हैं।